हरे कृष्णा, हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे स्कंद के छठवें अध्याय यानी सिक्स चैप्टर, जिसमें भगवान ने पुनः सृष्टि को और विस्तार में समझाया। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ये दो प्रकार का ब्रह्मांड यानी इस पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर आप पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 3/4 पानी से भरा गया है और 1/4 पृथ्वी है। तो 3/4 जल होने के कारण हमारे शरीर के अंदर भी 75% पानी होता है और 25% और रक्त, मज्जा, हड्डी, है ना, ये सब चीजें होती हैं हमारे अंदर। तो इसी प्रकार इस पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड में 3/4 भगवान का जगत है, जिसे अप्रकट जगत कहते हैं, और 1/4 ये भौतिक संसार है जिसे प्रकट जगत कहते हैं। तो साइंस हमारी प्रकट जगत के बारे में तो जानती है, लेकिन अप्रकट जगत जो 3/4 3/4 उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और कहा कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं वो लोग तो उस वैकुंठ धाम में, उस अप्रकट जगत में जो यहां से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, उसमें प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, पादस्त्रयो बहिरश्च आसना अप्रजानं याश्रमः अन्तस्त्रिलोकयस्तु अपरो गृहमेधा अबृहद्व्रतः। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत स्थित है, और ये उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ के भगवान, अप्रकट जगत भगवान की भक्ति करता है, उनका नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन और भगवान के भक्तों के संग रहता है, वो उस लोक को जाता है, वैकुंठ को, जहां से वापिस नहीं आता। तो कौन वापिस आते हैं? जो इस 1/4 जगत को ही सब कुछ मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा उठ करके कहां चले जाओगे? चंद्रमा तक, सूरज को समझ लोगे, अपने टेलीस्कोप गैलीलियो के टेलीस्कोप से देख लोगे और उसको बोलेगा, देखा प्लेनेटोरियम बनाया है साइंटिस्ट ने, बड़ा ज्ञान है। लेकिन ये सारा ज्ञान इसी संसार का 1/4। जस्ट थिंक, सोचो, 1/4 और 3/4 वो अध्यात्म जगत, उसका ज्ञान कैसे मिलेगा? उसका ज्ञान मिलता है पुराणों के माध्यम से, और हमारे जितने भी आचार हुए वो सब हिंदू सनातन धर्म वैदिक शास्त्रों से ही निकले। सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन थे? भास्कर आचार्य। कौन थे? भक्त थे भगवान के, और उन्होंने बाद में गणित को लाए संसार में, थ्योरीज लेकर आए। फिर बाद में आर्यभट्ट आए, वह भी भारतीय। और हमारे सबसे बड़े सर्जन कौन थे? सुश्रुत आचार्य, जो कि भारत के थे। आयुर्वेदिक ज्ञान कौन लेकर आए? बोले वांगभट्ट जी लेकर के आए। बोले वो भी कौन थे? भारत के। तो जिस भी फील्ड में जाएंगे आपको मिलेंगे भारतीय वैदिक संस्कृति के लोग, पुराणों को पढ़ने वाले लोग, वही लोग जो थे उन्होंने संसार को ज्ञान दिया। सबसे पहला गैल्वनाइजिंग कहां हुआ? गैल्वनाइजिंग हुआ भारत में। आज भी आप जा सकते हैं, दिल्ली में लोहे का एक पिलर है कुतुब मीनार के पास, जिसमें जंग नहीं लगती है, एंटी रस्ट है, रस्ट फ्री आयरन। कितने हजारों साल पहले गैल्वनाइजिंग होगी। आज लोग यूरोप जाते हैं, गैल्वनाइजिंग सीखते हैं, इंजीनियरिंग, फिर इंडिया आकर के कहते हैं नौकरी चाहिए, हम यूरोप से गैल्वनाइज इंजीनियरिंग सीख करके आए। बिजनेस लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टार्टअप्स लगाते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? इसको लगा कि आप सोच रहे हो आप बहुत बुद्धिशाली जीव हो? जरा सोचो शास्त्रों में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है, जिसे आप कहते हो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी नहीं है, ये प्रमाण है, है ना। आपके पास क्या प्रमाण है? आप प्रमाण दे सकते हो? आपके पास अपनी बातों का प्रमाण नहीं, और आप कंट्रोवर्सी करते हो कि भाई भागवत गलत है, पुराण गलत है, ये सब कहानी किस्से हैं। तो जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो गलत है। तो यहां पर बताया गया कि कौन लोग इस संसार में रह जाते हैं, ग्रह मेधी अप्रवृतः, जो ग्रह के अंदर फंसे हुए रहते हैं, वह संसारी लोग जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं कर पाते, भोगी होते हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं होता, रात में बैठकर बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, सुबह उठकर पत्नी का भोग कर रहे हैं, और उनके उनको पता ही नहीं चल रहा है संसार में हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है, बस पैसे कमा लूं, सक्सेसफुल बन जाऊं, एक बार ये कर लूं वो कर लूं, इसको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं।
इससे ऐसे जो ग्रह के अंदर रहने वाले ग्रह मेधी हैं, जिनकी मेधा बुद्धि गृहस्थी में लगी हुई है, ऐसे लोग इसी एक चौथाई जगत में घूमते रहते हैं। नीचे लोक से ऊपर त्रिलोक, तीन लोकों में घूमते हैं। कभी ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में, शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर नीचे गिर जाते हैं। फिर कभी नीचे योनियों में असुर बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो मुक्त कौन होंगे? उस अप्रकट जगत में जो चले गए, भगवान के धाम को, वैकुंठ को जो चले गए, गोलोक को जो चले गए। और वो जो कौन जाएंगे? जो भगवान के भक्त होंगे, जो इस संसार की आसक्ति से रहित होंगे। ये श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। आशा करते हैं आप समझे होंगे और इस भागवत प्रभाव को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा बड़े ही बहुत पुण्यों के बाद सुनने को मिलती है। रेडियो द्वारका का हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें रेगुलर भागवत प्रभाव श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आप सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।